प्रथम तहलका न्यूज सबके लिए बड़ी खबर पृथला से। आपको बता दें कि पृथला में गदपुरी टोल पर दिन दहाड़े सरेआम गुंडागर्दी की वारदात देखने को मिली है। आपको बता दें कि प्रदर्शन कर रहे लोगों पर एक बदमाश के द्वारा सरेआम बंदूक तान दी गई और धमकी भी दी गई है। आपको बता दें कि जिस समय ये गुंडागर्दी की वारदात हुई उस समय उस प्रदर्शन में पूर्व मंत्री करण दलाल, पूर्व विधायक टेक चंद शर्मा, पूर्व विधायक रघुवीर देवतिया, कांग्रेसी नेता भी मौजूद थे और वहाँ पर एक बदमाश ने दिन दहाड़े सरेआम लोगों पर आकर बंदूक तान दी और इसके साथ ही धमकी भी दी गई है। आपको बता दें कि पृथला के गदपुरी टोल का ये विरोध किया जा रहा था और इसी विरोध प्रदर्शन के दौरान एक बदमाश युवक के द्वारा सरेआम लोगों पर बंदूक तान दी गई और उन्हें धमकी भी दी गई है। आपको बता दें कि आरोपी युवक के खिलाफ पुलिस ने शिकायत दर्ज करवाई गई है और फिलहाल इस मामले की जांच पड़ताल जारी है। ये सब की बड़ी खबर जो पृथला से है। एक बार फिर से आपको बता दें कि पृथला में गदपुरी टोल पर एक बदमाश युवक के द्वारा दिन दहाड़े सरेआम प्रदर्शन कर रहे लोगों पर बंदूक तान दी गई और उन्हें धमकाया भी गया है। आपको बता दें कि जिस समय ये वारदात हुई वहाँ पर पूर्व मंत्री करण दलाल, पूर्व विधायक टेक चंद शर्मा, पूर्व विधायक रघुवीर देवतिया और कांग्रेस के नेता भी मौजूद थे और उसी समय एक बदमाश युवक के द्वारा सरेआम ये गुंडागर्दी की गई है, प्रदर्शन कर रहे लोगों पर बंदूक तान कर उन्हें धमकाया गया है। आपको बता दें कि पृथला में गदपुरी टोल का ये विरोध किया जा रहा था और इसी विरोध प्रदर्शन के दौरान एक बदमाश युवक के द्वारा बंदूक तानी गई है और मौजूद लोगों को धमकाया भी गया है। बता दें कि आरोपी युवक के खिलाफ पुलिस में केस दर्ज करवाया गया है और फिलहाल इस मामले की जांच पड़ताल जारी है। विधायक साहब क्या कहना है, आज टोल पर बैठे हैं कोई? जिस टोल को हटाने के लिए ये पंचायत हो रही है, आज उसका प्रूफ आपके सामने आ गया, आपकी प्रेजेंस में भी था, एक वीडियो भी हमने आपको दिए, जिस तरीके की गुंडागर्दी आगे चल के होने वाली है अगर जिस तरीके का ये टोल लगा है उससे ये हमारे इलाके को बिल्कुल पूर्ण रूप से बर्बाद कर देगा, बदनाम कर देगा और कितने जन क्या क्या अप्रिय घटनाएं होंगी। इसलिए इस टोल के संघर्ष में परसों जैसा कि संरक्षक महोदय ने और माननीय रतन सिंह जी ने जो कहा है, परसों 10 बजे सर्व जातीय, सर्व धर्म, सर्व पार्टी इलाके की पूरे क्षेत्र की पंचायत बुलाई है, इस बारे में निर्णय परसों लेंगे। कल हमारी डेट है इसमें, जो ये कल की जो 19 तारीख की डेट थी उसको पोस्टपोन करके 21 तारीख उन्होंने किया है, तो कल उसका भी निर्णय आ जाएगा और परसों जो अप्रिय घटना ये घटी है इसके बारे में पूर्ण रूप से इलाका एक चरणबद्ध होकर के इसकी पूरी भर्त्सना भी करते हैं और इनको सबक सिखाने की हम घोषणा भी करते हैं। बैठे हैं धरने पर, क्या कुछ रूपरेखा आप तैयार की आपने? देखिए, ये आज की जो हमारी रूपरेखा थी तो हम कई दिन पहले घोषणा कर चुके थे कि हम 20 तारीख को यहाँ पर सभी इलाके के जिम्मेदार ऐसे जो हमारी टोल हटाओ संघर्ष समिति के सदस्य और उनके वे व्यक्ति, वे सक्रिय कार्यकर्ता जो इस टोल को यहाँ हटाने में अपनी सक्रिय भूमिका योगदान देने के लिए तैयार है, वे सब आज आगे और सभी विचार विमर्श के बाद ये तय हुआ है कि जो घटना यहाँ पर हुई है शायद इस इलाके में इस प्रकार की पहली घटना है और ये इलाके के लिए और विशेषकर उस गांव के लिए जहाँ का वो रहने वाला पृथलेगा उसके लिए इतना गांव के लिए भी एक तरह से शर्मिंदगी पैदा कर दी एक व्यक्ति की वजह से। तो ये इलाके में इस प्रकार का कभी नहीं हुआ और अब हमने मिलकर के तय किया है कि कल पूरे इलाके में आज ही घोषणा कर रहे हैं कि 20 तारीख को, आज की तारीख जो लेकर के 22 तारीख जो इतवार आ रहा है, इतवार को ठीक 10 बजे जैसे हमारे पंडित जी ने, शर्मा जी ने घोषणा की है उसको ही दोहराते हुए ये फैसला हुआ सबके साथ कि यहीं पर 10 बजे फरीदाबाद और पलवल के तमाम दोनों जिलों के सभी पंचमी, बाल पंचमी और सक्रिय वे लोग जो इस टोल को हटाने में और इस इलाके को में शांति स्थापित करने में योगदान देंगे वे सब लोग 22 तारीख को यहाँ पर एक बहुत बड़ी पंचायत का आयोजन करेंगे। आज यही फैसला सबने मिलकर के। सब धरने पर बैठे थे, क्या कुछ हुआ आज? आज धरने पर जब हम सब यहाँ बैठे हुए थे
तो बहुत ही हैरानी की बात है और शायद पहली मर्तबा इस हरियाणा में हम ये देख रहे हैं कि भाजपा की सरकार में भाजपा के नेताओं के इशारे पर रिलायंस के गुंडों ने रिलायंस कंपनी के ठेके को चलाने के लिए इलाके के हितों को ताक पे रखकर बीजेपी के लोगों ने हथियारबंद नेता आज यहाँ गुंडे भेजे हैं और सबके सामने उन्होंने हवा में पिस्तौल लहराते हुए जिस तरीके से धरने को खत्म करने की धमकी दी है और पुलिस की मौजूदगी प्रशासन की मौजूदगी हमारे इलाके के सभी बिरादरी सभी वर्गों के लोगों ने देखा है, इससे बड़ी शर्म की बात इस भाजपा सरकार और इस प्रशासन के लिए कोई हो नहीं सकती। और जैसा हमारे आदरणीय पंडित जी ओपी शर्मा जी ने और कन्वीनर श्री रतनलाल सौरव जी ने जो फैसला किया है, पंडित टेकचंद जी ने, परसों 10 बजे हम समस्त इलाके के लोगों को यहाँ बुलाएंगे और जो भी ये आज का ये शर्मनाक घटनाक्रम है इसके बारे में और ये जो टोल हमारे दोनों जिलों को जो बर्बाद करने के लिए ये बीजेपी की सरकार के इशारे पर रिलायंस ने दोनों जिलों को लूटने की जो साजिश बनाई है, गदपुरी गांव की जमीन को बिना एक्वायर किए जो जबरन यहां पर ये टोल स्ट्रक्चर बनाए हैं और बिना 6 लेन प्रोजेक्ट को पूरा किए जो यहाँ ये टोल लगाने का लूटने का जो ये कारोबार रिलायंस बीजेपी की ताकत के भरोसे कर रहा है, इसके विरोध में हम पंचायत करेंगे और उस दिन जो भी पंचायत निर्णय लेगी उस फैसले का हम सब जो है स्वागत करेंगे, पालन करेंगे।